सो वेलकम है गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल टेक कुक पे। आज मैं कंपनी लेके आया हूँ यहाँ पे प्रीमियम वॉचेस का, फायरबोल्ट की, जो कि आपको चेन स्ट्रैप में मिलते हैं। बेसिकली ये है फायरबोल्ट की फेनिक्स अल्ट्रा और ये है हमारे पास फायरबोल्ट की किंग। और यहाँ पे ब्लैक स्ट्रैप में काफ़ी प्रीमियम लगती है। ये आपकी हल्क का ही रीडिज़ाइन वर्जन है। बेसिकली हल्क में आपको जो चेन का स्ट्रैप है वो ऐड कर दिया गया, दैट्स इट गाइस। और सारे के सारे फीचर्स सेम ही लगते हैं गाइस। स्लिमनेस भी उतनी है जितनी हल्क में मिलती थी। सेम मतलब है, मतलब समझ लो हल्क है उसमें चेन वाला स्ट्रैप कंपनी दे रही है। बट सबसे अच्छी बात है कि मतलब आई नो यहाँ पे सेम ही उठा के दे दिया कंपनी ने और कुछ चेंज भी नहीं किया, 1% भी चेंज नहीं किया इसमें। बट एक चीज़ में अच्छी है कि मतलब जिस प्राइस आपको हल्क मिल रही है ना 2999 में, उसी प्राइस में आपको ये मिल रही है। और इवन दो यहाँ पे चेन वाला स्ट्रैप मिल रहा है, साथ में एक स्ट्रैप भी फ्री मिल रहा है सिलिकन वाला, तो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ये रहेगी रेदर देन गोइंग फॉर हल्क। आप इसके लिए जा सकते हो। फायरबोल्ट को डेफिनेटली यहाँ पे एक काम करना चाहिए, मतलब थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए जो न्यू लॉन्चेज है या पुराने वाले जो वॉचेस को रीलॉन्च कर रही हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने चाहिए। यहाँ पे फिनिक्स अगर मैं अल्ट्रा की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 1.39 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले अच्छी है, बड़ी है डिस्प्ले। बट अगेन गाइस, ये फिनिक्स प्रो जो है आपकी उसी का ही एक लुक है। फिनिक्स प्रो में आपका चेन वाला स्ट्रैप डाल दिया, दैट्स इट। 2000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट मिल रही है। बट अगेन गए, सारे के सारे फीचर्स सेम है, ए टू जी सेम है, मतलब वही है, एकदम कॉपीड है। तो यहाँ पे भी 22mm स्ट्रैप साइज है, फिनिक्स प्रो में भी 22mm स्ट्रैप साइज है। तो फिनिक्स प्रो और इसमें अंतर क्या है? अंतर ये कि इसमें चेन वाला स्ट्रैप मिल रहा है उसी प्राइस में। आपको फिनिक्स प्रो मिल जाएगी आई गेस 1600 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, और ये आपको 400 रुपये मिला के इसमें एक स्ट्रैप और फ्री मिल जाएगा, चेन वाला स्ट्रैप मिल जाएगा, जो कि आपको अलग से अगर आप लेते तो अराउंड आपको पड़ेगा वही 600-700 रुपये का पड़ेगा, तो इसमें फ्री मिल जाता है इसमें। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको देख सकते हो साइड बाई साइड, यहाँ पे मोटापा डेफिनेटली इसका ज़्यादा है किंग का जो प्राइस है 3000 रुपीज़ है बेसिकली, ठीक है, इसका 2000 रुपीज़ है। यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, इसमें भी आपको ब्लैक बॉर्डर मिलते हैं, बट यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले है तो यहाँ पे ज़्यादा डेफिनेटली बेटर लगता है। और यहाँ पे पीक ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है आपकी इसकी फायरबोल्ट की हल्की, नहीं फायरबोल्ट की किंग की। और इसी के साथ साथ साइड बाय साइड आप देख सकते हो, आप मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि दोनों में से बेटर कौन सी लग रही है। मेरे को तो कहीं ना कहीं किंग ज़्यादा बेटर लग रही है। ऊपर की साइड से स्वाइप करते टॉगल बटन मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे स्टील का बिल्ड मिलता है, यहाँ पे ग्लास्टिक टाइप का, मतलब ग्लास है, हैवी है, मेटल ग्लास का कॉम्बिनेशन है, फायरबोल्ट की ब्रांडिंग मिल जाती है। और सिंगल सेंसर मिलता है दोनों में ही, ग्रीन एक्सन का सेंसर नहीं मिलता है, ठीक है। थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ, ठीक है, इसमें ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ ताकि विजिबल रहे आपको। यहाँ पे आपको टॉगल में भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, टॉर्च लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे ब्राइटनेस आल्सो चेक कर सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पे किंग का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे फिनिक्स अल्ट्रा। यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, सेटिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसमें आपको अलार्म मिल जाता है, अलार्म आप वॉच में इटसेल्फ नहीं लगा सकते, थ्रू द एप्लीकेशन लगाना पड़ता है। टाइमर मिल जाता है, मेन्यू स्टाइल यहाँ पे लिस्ट और ग्रेड वाला मिल जाता है, और आई वॉच वाला मेन्यू नहीं मिलता बेसिकली इसमें। ब्राइटनेस लेवल्स और फोन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है, ऑफ कर दोगे फिटनेस वॉच यूज़ होगी, और वाइब्रेशन ऑफ पर कर सकते हो। तो वाइब्रेशन ऑफ और फोन, ये मतलब आपने ऑफ कर दिया तो सिर्फ रिंग करेगी वॉच, वाइब्रेट नहीं करेगी, इसको ऑन कर दोगे तो वाइब्रेट करेगी। बट यहाँ पे प्रॉपर म्यूट करने का कहीं भी ऑप्शन ऐसा सच नहीं मिलता। ऑन द अदर हैंड किंग में बात मैं करूँ तो यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, डिस्प्ले में आपको ऑटो स्लीप मिल जाता है 30 सेकंड तक का मैक्सिमम। मेन्यू व्यू लिस्ट ग्रिड वाला मिल जाता है, आई वॉच वाला टाइप का मेन्यू मिलता है। ब्राइटनेस हेल्थ यहाँ पे चेक कर सकते हो, वॉच फेस आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे ज़्यादा वॉच फेस मिलते हैं, 7-8 मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको कम मिलते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे रिंग वाइब्रेशन म्यूट पे ऑप्शन मिल जाता है प्रॉपरली, देख सकते हो यहाँ पे, और इंटेंसिटी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो वाइब्रेशन की, ठीक है। और फोन कॉल यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो, फोन ऑफ कर दोगे तो यहाँ पे एज अ फिटनेस वॉच यूज़ होगी। एआई वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का दो वॉच फेस मिल जाते हैं, सिस्टम अबाउट है, दैट्स इट। तो यहाँ पे टाइप करके होम पे पहुँच जाते हो। राइट साइड में शॉर्टकट्स मिल जाते हैं दोनों ही वॉचेस में, इस तरीके से देख सकते हो। और वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 22mm आफ्टर मार्केट का स्ट्रैप लगा सकते हो, इसमें भी 22mm आफ्टर मार्केट का स्ट्रैप लगा सकते हो, दोनों ही सिमिलर हैं, देख सकते हो। यहाँ पे आप एक बार दिखा देता हूँ कन्फर्म करके आपको, ये देखो दोनों ही सिमिलर हैं, 22mm आफ्टर मार्केट के स्ट्रैप इसमें लगा पाओगे आप, ठीक है, ओके। और गाइस यहाँ पे आगे बात करें, लेफ्ट साइड में स्वाइप करते हैं आपको स्प्लिट स्क्रीन मिल जाती है, यहाँ पे आपको मेन्यू स्टार्ट हो जाता है, नीचे की साइड से मैसेज नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं दोनों में ही। तो गाइस यहाँ पे आप मेन चीज़ सारी चेक करते हैं, यहाँ पे टाइप करके मेन्यू खुल जाता है। स्टेप्स काउंटिंग जो आपने एक्टिविटी परफॉर्म की वो शो करता है। स्लीप मॉनिटर यहाँ पे मिनिमम से 6 घंटे का आपको स्लीप लेना पड़ेगा, देन ओनली बताएगा ये। कॉलिंग चेक कर लेते हैं यहाँ पे एक बार, लाउडनेस किसमें बेटर मिलती है किसमें नहीं। और लाउड है डेफिनेटली यहाँ पे, इसमें भी लाउड है, तो लाउडनेस दोनों में ही कमाल की मिलती है, दोनों में बराबर मिलती है मेरे ख्याल से, तो दोनों में कमाल की है लाउडनेस, ये तो बहुत अच्छा है। दोनों में ट्रांसफर करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अब गाइस यहाँ पे हम वॉइस असिस्टेंट भी चेक कर लें एक बार, तो वॉइस असिस्टेंट यहाँ पे कहाँ है, चलिए लास्ट में चेक करेंगे, आगे चेक करते हैं। यहाँ पे AI वॉइस असिस्टेंट इसमें मिल जाता है, इसमें भी चेक ही कर लेते हैं गाइस, आ ही गया तो इसमें वॉइस असिस्टेंट इधर की साइड मिलता है, इधर को ये रहा। व्हाट इज द वेदर ऑफ फरीदाबाद? किसी ने नहीं सुना मुझे लग रहा है। व्हाट इज द वेदर ऑफ फरीदाबाद?
इसमें बता रहा है, एक में नहीं बता रहा है। तो गैस वो नेट कनेक्शन पे भी हो सकता है एक्चुअली, एक फ़ोन में कनेक्टेड है एक फ़ोन में नहीं है, तो हो सकता है शायद इसी वजह से ना बता रहा हूँ। हार्ट रेट मिल जाता है, ओवर द एयर चेक कर लेते हैं एक बार। वैसे ग्रीन एक्सीडेंट सेंसर दोनों में चल रहे हैं, ओवर द एयर तो काम नहीं करना चाहिए वैसे। आई डोंट नो यहाँ पे फिनिक्स अल्ट्रा में बता सकता है, इसमें भी बता सकता है, थोड़ा पास से ही है। देखो बता दिया इसने, ओवर द एयर यहाँ पे बता दिया, बट मैं अगर थोड़ा सा दूर रखता हूँ इसको, अब चेक करते हैं तो गैस नहीं बताएगा। देखो तो वही है, मतलब टच नहीं होना चाहिए हाथ में, थोड़ा सा यहाँ पे पास आ रहा है ना हाथ, इसीलिए बता रहे हैं। तो अगर मैं इसको अब चेक करता हूँ यहाँ पे भी नहीं बताएगा, देखो है ना, मैंने कहा था। अब गैस यहाँ पे SPO2 में दिखा देता हूँ आप सभी को कि SPO2 मतलब सेंसर नहीं है दोनों में ही SPO2 के। देखो ग्रीन ही चल रहा है, तो गैस सेम ही है, तो सेंसर नहीं मिलते हैं आपको SPO2 के, ठीक है। उसी के साथ साथ ट्रेनिंग पे चलते हैं, ट्रेनिंग पे आपको वॉकिंग का ऑप्शन मिलता है, तो 50 स्टेप चल के देखते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी किसमें बेटर मिलती है दोनों में से। सो गैस यहाँ पे आ चुका है और फिनिक्स अल्ट्रा में 57 दिखा रहा है 50 स्टेप चलने के बाद, और यहाँ पे आपका दिखा रहा है 51, तो ज़्यादा एक्यूरेट आपकी मिल जाती है किंग एज़ कम्पेयर टू फिनिक्स अल्ट्रा। आगे बात आती है यहाँ पे ट्रेनिंग का ऑप्शन, तो हमने चेक कर लिया, वेदर अपडेट्स मिल जाता है यहाँ पे, कैमरा शटर मिल जाता है, दोनों में ही मिल जाता है। प्लेयर का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, एज शटर स्पीकर यूज़ कर सकते हो, दोनों में सॉन्ग्स को सुन सकते हो। एक फ्लॉ में बता दूँ आप सभी को, जैसे आप ऑडियो प्रोफाइल ऑफ करोगे दोनों ही वॉचेस की कॉलिंग जो है वो ऑफ हो जाएगी, तो ध्यान रखना है आपको। गेम्स का ऑप्शन मिल जाता है, दो गेम मिलते हैं इसमें आपको, इसमें आपको गेम नहीं मिलते हैं। जो हल्क में जैसे सेम है इसमें भी सेम ही है, इसमें कैलकुलेटर मिल जाता है, गेम्स नहीं मिलते हैं। तो ये तो होगी सारी की सारी चीज़ें, अभी काम करते हैं दोनों का, वेट करते हैं कौन सी हैवी है कौन सी हैवी नहीं है, ठीक है। वैसे दोनों ही अनकंफर्टेबल हैं अगर आप सोते हो ये चैन वाला स्ट्रैप पहन के, बट आप चेंज कर लोगे जो इसके साथ सिलिकॉन वाला फ्री मिलता है, तो आप पहन के आराम से सो सकते हो। 60 ग्राम्स की बेसिकली फिनिक्स जो आपकी अल्ट्रा है, और हल्क जो है आपकी हल्क नहीं किंग 64 ग्राम्स की, थोड़ी सी हैवी है इससे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हाथ पे पहनते हैं और ऑक्सीमीटर के साथ एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं, फाइनल कंक्लूजन मैं आपको देता हूँ दोनों में से बेटर कौन सी है। सो गाइस दोनों को मैंने पहन लिया, दोनों ही कमाल के लिए, ये लास्ट मीडियम टू थिन स्किन रिस्ट तक पे चल सकती है क्योंकि ये कॉम्पैक्ट वॉच मिलती है। ये आपके लास्ट मीडियम रिस्ट पे चल पाएगी, थिन रिस्ट पे नहीं चल पाएगी, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले बड़ी मिलती है और डायल साइज भी बड़ा है। अगर आपको थिन रिस्ट के लिए चाहिए तो आपको फिनिक्स लेनी चाहिए, फिनिक्स अल्ट्रा या प्रो के लिए नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीमीटर ऑन कर दिया मैंने, और यहाँ पे हम हार्ट रेट चेक करते हैं सबसे पहले, ये रहा हमारा, और यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है 97 SPO2, और हार्ट रेट हमारा 87 दिखा रहा है, 87-88, ठीक है, 88 हो चुका है। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इनएक्यूरेट दिखा रहा है, 67 दिखा रहा है यहाँ पे, और स्टॉप भी हो चुकी है यहाँ पे, देखते हैं फिनिक्स अल्ट्रा में 86 आ रहा है हार्ट रेट, तो उसमें तो 73, तो हार्ट रेट की एक्यूरेसी डाउन ही है यहाँ पे, दोनों में से किसी में बेटर नहीं मिलती आपको हार्ट रेट की एक्यूरेसी। SPO2 के लिए तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता आप सभी को कि आप चेक करें वॉच से इटसेल्फ, ठीक है। अब गैस यहाँ पे कंक्लूजन पे आते हैं, देखिए गैस स्टेप्स काउंटिंग पीडोमीटर की एक्यूरेसी तो डेफिनेटली यहाँ पे बेटर है आपकी, ये जो किंग है बेसिकली इसमें, एज़ कम्पेयर टू फिनिक्स अल्ट्रा। बट अगेन हार्ट रेट की एक्यूरेसी नहीं मिलती यहाँ पे, सेंसर्स की एक्यूरेसी यहाँ पे डाउन है एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन है। तो गैस यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी कौन सी है, देखो गैस अगर आपको एमोलेड डिस्प्ले के साथ थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर चाहिए तो आपको इस वॉच के लिए जाना चाहिए, ठीक है। 3000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में आपको देखने को मिल जाती है, लुक और फील भी प्रीमियम है इसका वॉच का, और ये चेन वाला स्ट्रैप और 4 साल लगा रहा है। तो गैस हल्क तो पहले ही पसंद थी मेरे को, एक कॉम्पैक्ट वॉच थी और ब्राइटनेस सेल्स भी अच्छे थे, और उसके ऊपर ये चेन का स्ट्रैप लगाता है और प्रीमियम बन जाती है बेसिकली, ठीक है। 3000 रुपीज़ में ठीक है, वैसे ये आपको 2500 रुपये तक के प्राइस ब्रैकेट में भी देखने को मिल सकती है। यस गैस आपने से सुना, अगर आपके पास 500 सुपर कॉइन्स है तो आपको 2500 रुपये मिल जाएगी, और का मैं बताऊँ आपको 2400 में मिल जाएगी। 500 सुपर कॉइन आप लगा लो, उसके बाद जब चेकआउट पेज पे जाओगे तो आपको पेटीएम वॉलेट से आपको पेमेंट करना है, तो आपको ये 2400 रुपये की पड़ जाएगी। फिनिक्स अल्ट्रा जो है ये आपको मिल रही है 2000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, बट ये आपको इसके साथ जो है वो फ्री मिल सकता है, क्या मिल जाएगा, एक ईयरफोन्स मिल जाएंगे फ्री ज़ेब्रा इसके 250 रुपये के, तो अराउंड इसका प्री प्राइस 1750 रुपये पड़ जाएगा उस हिसाब से, ठीक है। तो गैस इसको आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो, इसको फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। वैसे यहाँ पे विनर है फायरबोर्ड की किंग। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस की रिगार्डिंग कुछ भी रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय।